आज एक आपको ना बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, बहुत छोटी है लेकिन आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो सही रहेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग लाइफ में किसी चीज़ को लेकर अपना टारगेट बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पूरा डेडिकेशन लगा देते हैं कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। और हमें जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी यही सिखाते हैं कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, कंटिन्यूम लगातार परसिस्टेंस आपकी सक्सेस की की होती है। अभी ना एक रैंडम सा उदाहरण है, अभी आजकल जो एक नई मूवी आई है एनिमल, उसका बड़ा हाइप है। बॉबी देओल के कैरेक्टर को बड़ी तारीफ की जा रही है, कैरेक्टर नहीं उनकी मतलब एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ की जा रही है उनकी, और रणवीर से और अनिल कपूर से ज़्यादा लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया में हाइप बना हुआ है। अब देखो पिछले कई समय से मैंने एक मूवी देखी नहीं है, मैं केवल सोशल मीडिया पे हाइप देखा है और ये पता है कि उनकी तारीफ बहुत हो रही है। मैंने केवल ट्रेलर देखा है, मुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं है इसलिए मैं देखूंगी भी नहीं, लेकिन उनके लिए सक्सेसफुल मूवी है। अब देखो इस चीज़ को समझो, बॉबी देओल एक एक्टर जो हीरो बनने के लिए आए थे, इतने साल वो हीरो बनने का ट्राई करते रहे, उनकी कोई मूवी हिट नहीं हो रही थी, कोई ज़्यादा अच्छी मूवी उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने जब आश्रम सीरीज़ में, जो कि मेरी फेवरेट सीरीज़ है, उसमें निगेटिव रोल किया, विलेन के रूप में उनकी तारीफ हुई और उनकी एक्टिंग की लोग तारीफ कर रहे हैं। एक्टर वो पहले भी अच्छे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बुरा एक्टिंग कर रहे हो और आज अचानक से अच्छी करने लगे। एक्टिंग वो पहले भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो कैरेक्टर का जजमेंट, आपको विलेन के कैरेक्टर के लिए ईश्वर ने डिज़ाइन किया, आप विलेन के कैरेक्टर में बहुत दमदार दिख रहे हो, लोगों को पसंद आ रहे हो। तो ये एक रैंडम एग्जांपल जो मैंने मूवीज से देखा और मुझे समझ में आया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा ना बैक फुट पर आकर सोचना भी चाहिए कि हमारा डायरेक्शन, हमारा अप्रोच सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें यूनिवर्स ने, भगवान ने किसी और चीज़ के लिए बनाया है और हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ अचीव भी नहीं हो पा रही और लगातार फेलियर हो रही है। तो थोड़ा सा इस बारे में विचार ज़रूर करिएगा। और ये बच्चे बहुत सारे आ गए हैं, और बाय बाय।